एक्सपेरिमेंट टू था इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करेंट। हम क्या करने वाले हैं इसमें, कीपिंग, ये हमारी प्रीरिक्विजिटी है, कीपिंग इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। इन दोनों चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जीरो पे रख देते हैं पोटेंशियल को। जीरो पे रखने से क्या होगा, ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये वोल्टेज है और ये करंट है। करंट को छोटे आई से दिखा रहे हैं ना, ये लीजिए, लाइट इंसिडेंट होती है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, वह एक इलेक्ट्रॉन सा क्लाउड बन जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो बाकी आने वाले और इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देता आसानी से। फिर भी कुछ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फिर भी पहुंच जाते हैं। वो इस प्लेट के पॉजिटिव होने पर डिपेंड नहीं कर रहे, वो अपनी एनर्जी से पहुंच जाते हैं इस प्लेट तक, और थोड़ा बहुत करंट हमें दिखने लगता है ना, एपरेटस एस एमीटर की मदद से थोड़ा बहुत करंट हमको दिखने लगता है। और यहाँ पे जो हम, आप देखिए कितने स्मूथली डायग्राम बन रहा है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ वेरी इजी डायग्राम, है ना। ये जीरो, यहाँ नेगेटिव, ये रीजन नेगेटिव है, रीजन पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ से तार यहाँ आ जाएगा। चलिए वो छोड़िए, इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि जब जीरो वोल्टेज था तब भी कुछ इलेक्ट करंट आ जाएगा, वो बहुत कम होता है। तो ग्राफ पहले से यहाँ से शुरू होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस जॉकी को आगे बढ़ा रहे हैं, ये सब लिख देंगे हम। तो आगे बढ़ाने यानी कि पॉजिटिव करने की वजह से क्या होगा, ये प्लेट पॉजिटिव होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी और इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ दौड़ते चले आएंगे, है ना। जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आ पा रहे थे, इस इलेक्ट्रॉन की खुद इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही चला जाएगा इसके पास, है कि नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के पास नहीं जा पा रहे थे वो भी आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। लेकिन एक पॉइंट के बाद आके करंट अब फर्दर नहीं बढ़ता, और इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट या सैचुरेशन करंट। इस जगह को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। इसके बाद नहीं बढ़ता, आप चाहे कितना ही पोटेंशियल आप आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि जितने एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पर, क्योंकि हमने क्या किया, इंटेंसिटी हमने फिक्स रखी हुई थी, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पर जितने फोटॉन्स, कितने एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो निकाल सकते थे, निकाल दिया। अब उनका बस पहुंचना था, और पहुंचने से करंट मिल गया, लेकिन एक पॉइंट के बाद इलेक्ट्रॉन की तादाद खत्म हो गई उस इंटेंसिटी के बलबूते, जितने इलेक्ट्रॉन निकल सकते थे, या कहें कि उस इंटेंसिटी में जितने फोटॉन्स थे उनके बलबूते जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते थे वो निकल गए, पहुंच गए उस प्लेट पर, उनने अपना करंट दे दिया, उनका काम खत्म हो गया, अब फर्दर वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वोल्टेज का इफेक्ट होता है। लेकिन आगे देखते हैं, ग्राफ पीछे बनाते हैं, यानी कि अब हम वोल्टेज को नेगेटिव रीजन में ले जा रहे हैं। तो पॉजिटिव था जब जॉकी को हम यहाँ मूव करा रहे थे, सब चीज़ें हम अंग्रेजी में लिखेंगे, नोट्स बनवाएंगे, डोंट वरी, पहले समझ लीजिए। अब जॉकी को मैं लेफ्ट लेके जा रहा हूँ, तो वोल्टेज नेगेटिव हो रही है। नाउ दिस प्लेट इज बींग मेड नेगेटिव, तो क्या करेंगी, आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी। जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वो अब रिपेल होना चालू हो जाएंगे, पर उनमें पर्याप्त एनर्जी है, कुछ फिर भी पहुंच जाते हैं, कुछ फिर भी पहुंच जाते हैं। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है तो यहां करंट दिख जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आती है, जैसे ही हम माइनस करते हैं तुरंत जीरो नहीं होता करंट, करंट धीरे धीरे जीरो होता है, मतलब करंट कुछ वैल्यूज पॉजिटिव में रखता है, इवन दो वोल्टेज हैज बीन मेड नेगेटिव, इवन दो वोल्टेज को नेगेटिव किया गया फिर भी करंट तुरंत जीरो नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होता है, अगर करंट तुरंत जीरो हो जाता, इसका गारंटी से मतलब ये होता कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं सबकी एक ही काइनेटिक एनर्जी है, अलग अलग एनर्जी नहीं है। अगर धीरे धीरे नेगेटिव करने पर इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग करंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ
कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास कम एनर्जी थी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इंटरमीडिएट बीच में एनर्जी थी। सबसे आखिरी में जो इलेक्ट्रॉन था जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी थी, जब वो भी रुक जाएगा तब करंट जीरो होगा। यानी कि द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड हैव वेराइटीज ऑफ एनर्जीज विच आर कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए ये ग्राफ जो है तुरंत जीरो नहीं होता। तुरंत जीरो होने का मतलब क्या था, सारे एकदम रुक गए, एक भी नहीं पहुंचा। जैसे ही आपने नेगेटिव किया नहीं, तुरंत जीरो हो गए। इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैड सेम काइनेटिक एनर्जी? नहीं, थोड़ा नेगेटिव किया, यहां पहुंचे, अभी भी करंट है। ये जो करंट है, ये यहां तक जो करंट है ना, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है जिनके पास कुछ अच्छी खासी एनर्जी है। फिर यहां ये जो थोड़ा बहुत करंट बच रहा है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के पास और ज्यादा एनर्जी थी, वो अभी भी झेल पा रहे हैं इस माइनस पोटेंशियल को। फाइनली ये जीरो आ जाएगा। मतलब वो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन था जिसके पास बेहतरीन एनर्जी थी, वो भी रोक दिया गया, वो भी रोक दिया गया। ये जो ग्रेजुअली जीरो हुआ है, इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होते हैं उनके पास अलग अलग काइनेटिक एनर्जीज होती हैं। इसी को हम बाद में समझेंगे कैसे होता है ये। खैर, तो ये क्या हमारा ग्राफ बन गया। अब एक काम कर सकते हैं, हम अलग इंटेंसिटी को ले लेते हैं, हायर। अगर हम हायर इंटेंसिटी को लेंगे, उसमें ज्यादा फोटॉन्स होंगे, ज्यादा फोटॉन्स होंगे वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे, यस और नो? तो स्टार्टिंग में 0 वोल्ट पर ही ज्यादा करंट हमको पहले से ही मिलेगा। हाई इंटेंसिटी है ना, हाई नंबर ऑफ फोटॉन्स भी हैं। और मान लेते किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर हमें सैचुरेशन करंट पहले ही प्राप्त हो चुका था, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो हमें किसी और वोल्टेज पर अब सैचुरेशन करंट प्राप्त होगा। ये हम बोल सकते हैं आई सैट टू, सैचुरेशन करंट टू एट डिफरेंट इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी आई वन है, ये इंटेंसिटी आई टू है, ये करंट छोटे आई से दिखाया जा रहा है। फिर से हमने क्या किया, वोल्टेज को नेगेटिव किया, वोल्टेज को नेगेटिव किया। हमने नोटिस किया कि अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी यानी कि करंट का जो जीरो होना है, वो अब भी एक फिक्स पोटेंशियल पर ही हो रहा है। और उस फिक्स पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप कर रही है। ये अजीब बात सामने आती है कि इंटेंसिटी चेंज करने के बावजूद स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये जो वैल्यू है जिस पर इलेक्ट्रॉन सारे रुक जा रहे हैं और कोई भी करंट नहीं आता, वो चेंज नहीं हो रहा है। और इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई खेल नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो हमें चेंज करी नहीं है, हम सिर्फ इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं। पर नोटिस ये कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को उनकी जगह पर रोका जा रहा है सेम वोल्टेज पर, इवन दो आई हैव चेंज द इंटेंसिटी। यहाँ पे इंटेंसिटी चेंज करने से एक चीज़ जो हुई है, सैचुरेशन करंट चेंज हुआ। क्यों? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाने वाले ही बढ़ गए, इसलिए तो बेसिक बात थी। लेकिन ये अच्छी बात है कि इवन दो वी हैव चेंज द इंटेंसिटी, द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स कमिंग टू दिस प्लेट रिमेन्स सेम। अब जो जो मैंने बोला है इसको अंग्रेजी में लिख लेते हैं। क्या क्या बोला मैंने, एक्सपेरिमेंट टू, पहला द प्लेट ई सॉरी सी इज मेड एट 0 पोटेंशियल व्हेन लाइट इंसिडेंसेस एट दी एमिटर प्लेट ई इलेक्ट्रॉन्स गेट एमिटेड एंड फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन फ्रंट ऑफ प्लेट ई ऑल्सो ब्लॉकिंग द पाथ ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स विच हैव स्लाइटली हायर एनर्जी, स्लाइटली हायर एनर्जी आफ्टर लीविंग द प्लेट।
लीविंग द प्लेट। फ्यू इलेक्ट्रॉन्स हावेवर रीच द कलेक्टर प्लेट एंड दस अ वेरी स्मॉल करेंट इज ऑब्टेन्ड इन एमीटर इन माइक्रो एमीटर। यही मैंने बोला था ना कि जीरो पर थोड़ा बहुत करंट होगा। हेंस वी सी इन द कर्व, वी सी इन द आई वी कर्व सम करंट एट वी इक्वल टू जीरो। दूसरा पॉइंट, व्हेन कलेक्टर प्लेट इज मेड पॉजिटिव द इलेक्ट्रॉन्स गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट एंड रीच द प्लेट। दिस पॉजिटिव पोटेंशियल विच एक्सेलरेट्स द इलेक्ट्रॉन्स विच एक्सेलरेट्स द इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इट इज कॉल्ड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, द कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड एंड वी सी एन इंक्रीज इन करेंट विथ इट। हावेवर आफ्टर अ सर्टेन पोटेंशियल नो फर्दर इंक्रीज इन करंट इज सीन। दिस इज बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स विच वर एमिटेड एट दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट रीच्ड द कलेक्टर प्लेट। नाउ नो मोर इलेक्ट्रॉन, नो मोर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट। दिस मैक्सिमम करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। देखिए एक एक पॉइंट को मैंने क्लियर कर दिया है, परिभाषा में भी और एक्सप्लेनेशन में भी। ये बात क्लियर हो गई। अब हम पीछे लौटना शुरू कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट जो पीछे लौटना है। नाउ वी मेक द कलेक्टर प्लेट नेगेटिव। वी सी दैट द करेंट डज नॉट बिकम जीरो एट वंस। This means that there are electrons with different kinetic energies, some
have low kinetic energy and some have very high. The current, even at negative potential, which repels the electron, जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो रिपेल कर रही है इलेक्ट्रॉन को, फिर भी करंट है. तो वो कहते हैं करंट इवन एट नेगेटिव पोटेंशियल विच रिपेल, इवन एट नेगेटिव पोटेंशियल इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ब्रैकेट में डाल दिया है, विच रिपेल्स द इलेक्ट्रॉन. सो द करंट इवन एट नेगेटिव पोटेंशियल इज ड्यू टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स विच हैव हाई काइनेटिक एनर्जी. एंड फाइनली व्हेन करंट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स इवन द सॉरी इट मीन्स द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन हैज बीन स्टॉप्ड, बीन स्टॉप्ड. दिस स्पेशल पोटेंशियल, स्पेशल नेगेटिव पोटेंशियल एट विच आई इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है, फिर हमने चौथा चीज़ क्या बोली थी आपसे, हर एक चीज़ को जो बोली थी वो एक्सप्लेन भी तो करना है. चौथी चीज़ ये बोली थी कि हम इंटेंसिटी को बढ़ाने जाएंगे. नाउ इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड से आई टू, वेर आई टू इज ग्रेटर देन आई वन. एट हायर इंटेंसिटी देर आर हायर नंबर ऑफ फोटॉन्स केपेबल ऑफ इजेक्टिंग हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हेंस वी ऑब्टेन हायर करंट एट जीरो पोटेंशियल. इसीलिए हमें जीरो पोटेंशियल पे हायर करंट मिलता है, क्योंकि ज़्यादा फोटॉन ने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल दिए. व्हेन पोटेंशियल इज मेड पॉजिटिव द हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन दिस केस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन दिस केस रीच द कलेक्टर प्लेट रिजल्टिंग इन हायर सैचुरेशन करंट, हायर सैचुरेशन करंट को. अब क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुँच सकते हैं, सॉरी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं प्लेट में से, तो ज़्यादा करंट भी मिलेगा, हायर सैचुरेशन करंट. अब इसमें भी पीछे लाके देखते हैं कि जब वोल्टेज को नेगेटिव किया, व्हेन पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट इज मेड नेगेटिव, वी सी दैट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज स्टिल सेम. हेंस वी कंक्लूड दैट दी काइनेटिक एनर्जी, मतलब दी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को दिखाती है जो सबसे ज़्यादा रही होगी, है ना. दी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। अभी भी बोल सकते हैं डेट स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये भी बोल सकते हैं क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी को दर्शाता है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। अब एक मैथमेटिकल काम भी करना है हमें, क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय बैटरी पोटेंशियल, यस और नो? बैटरी की पोटेंशियल ने रोका था ना इलेक्ट्रॉन को, सो अगर इलेक्ट्रॉन का मास एम है और मैक्सिमम है, मैक्सिमम वर्क डन बाय बैटरी पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज किसको रोका उन्होंने, इलेक्ट्रॉन को, इनटू वो पोटेंशियल वी नॉट जिस पे रोका था, वी नॉट की जरूरत पड़ी थी ना, ये कर लिया, तो वी नॉट कैसे आया, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स डिवाइड बाय ई, इसे बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन दिस, इन दोनों का जो एडिशन हो, ये इक्विवेलेंट हो रहा है, इक्वेशन दिखाई जा रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये भी हम बोल सकते हैं दैट काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? यानी कि अगर आपकी वी नॉट की वैल्यू 2 वोल्ट आई, जिस पर आपका एट विच करंट 0 हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रही होगी, ई टाइम्स वी नॉट, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो लिखा मैंने, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पे हमने सब चीजें खत्म कर ली हैं, 2 एक्सपेरिमेंट्स को लेकर। तीसरा एक्सपेरिमेंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, हमने फ्रीक्वेंसी को छुआ भी नहीं, हमने इंटेंसिटी को चेंज किया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व्स हैं, है ना, जिन्हें बनाए थे। फाइनली हम आपको दिखाते हैं, 2 कर्व्स बने हैं। पहले एक्सपेरिमेंट से ये बनाया गया था, करंट का इंटेंसिटी से कर्व बनाया गया था, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने अलग अलग इंटेंसिटी पे हमने ये ग्राफ बनाए थे। सॉरी, ये थोड़ा सा आगे होना चाहिए था, अब ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट पहले आएगा, ये बाद में आएगा, ध्यान रखें। ये 2 ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक और बना सकते हैं आप, अक्सर किताबों में 3 होते हैं, तो 3 बना दिए मैंने, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी I1, इंटेंसिटी I2, इंटेंसिटी I3, वेयर I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिस नेगेटिव, जिस पर हम करंट 0 कर लेते हैं। तो क्या कंक्लूजन क्या निकले, 2 बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, 3 या 2 जो भी बनते हैं, क्या है दैट फोटो करंट, ये फोटो करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी फोटो करंट ये था, ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दूसरा, और ये बात तो सामने इसमें भी आती है ना, जब इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो करंट भी तो बढ़ रहा है, तो ये तो हम लिख ही चुके हैं। दूसरा क्या है, दी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज के ई मैक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये 2 अभी तक हमें निष्कर्ष निकाले हैं, 2 इतनी बात से,